नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। सबसे पहले हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में सुधा भारद्वाज की जमानत को चुनौती देने वाली एनआईए की याचिका खारिज। यूपी के शिक्षक पुलिस लाठीचार्ज से गुस्से में, तेज करेंगे आंदोलन। हरियाणा में आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य मंत्री के घर का किया घेराव। बिहार के टीकाकरण की लिस्ट में आया पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह और प्रियंका चोपड़ा का नाम। और कोविड अपडेट, कोरोना के मामले हो रहे हैं कम, मगर बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में वकील कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एनआईए की अपील मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एनआईए की दलीलों पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, हमें उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। एनआईए ने भारद्वाज को जमानत देने के उच्च न्यायालय के 1 दिसंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। भारद्वाज को अगस्त 2018 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानूनों के प्रावधानों के तहत एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार किया गया था। शीर्ष अदालत भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एनआईए की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सोमवार को सहमत हुई थी। रविवार को लखनऊ में कैंडल मार्च के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे एस्पिरेंट शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने इस हफ्ते राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। 2019 में उत्तर प्रदेश में करीब 70,000 असिस्टेंट शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवार शिक्षकों का आरोप है कि इस परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं। रविवार को पुलिस ने शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें 10 शिक्षक घायल हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि लाठीचार्ज तब हुआ था जब वे सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे। इस मामले में कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अब शिक्षक यूनियनों ने कहा है कि वह अपने प्रदर्शन को तेज करेंगे और विरोध जारी रखेंगे। अब बात हरियाणा की। सोमवार को हजारों आशा कर्मचारियों ने हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अंबाला निवास का घेराव किया और पिछले साल शुरू किए गए मगर इस साल सितंबर से बंद हुए कोविड भत्ते को फिर से शुरू करने की मांग की। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वह हरियाणा में पिछले महीने शुरू हुए राज्यव्यापी आंदोलन के तहत कोविड 19 ड्यूटी पर वापस नहीं जाएंगे। आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा सीटू ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से वार्ता के बाद 16 दिसंबर तक का समय दिया है। मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 17 दिसंबर को फिर से मंत्री आवास पर डेरा डाला जाएगा। आपको बता दें, पिछले साल मार्च में लॉकडाउन के दौरान केंद्र ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़ी लाखों आशाओं के लिए 1,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी, ताकि वायरस के प्रसार को रोकने में राज्य सरकारों को उनकी महत्वपूर्ण सहायता मिल सके। कोविड मामलों के फिर से बढ़ने की वजह से साल अप्रैल से सितंबर की अवधि के लिए इंसेंटिव फिर से शुरू किया गया था। अब एक दिलचस्प खबर, कोविड टीकाकरण के आंकड़ों के घोटालों को भी खोलती है ये खबर। बिहार राज्य द्वारा 8 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर लेने के दावे के 1 सप्ताह बाद नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जैसे नाम भी उन भारतीय लोगों की सूची में शामिल हैं जिन्हें राजधानी पटना से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगाया गया, वो भी उसकी दूसरी खुराक। रिपोर्ट के मुताबिक अनेकों मर चुके लोगों का पूर्ण टीकाकरण कर लेने की घटना के महीनों बाद इन तीनों वीवीआईपी लोगों को भी अरवल जिले के कारपी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी APSC में टीके की दूसरी खुराक लगा दी गई। कोविन पोर्टल पर गलत नामों को दर्ज करने पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने 2 डेटा ऑपरेटर्स को नौकरी से निकाल दिया है। हालांकि डेटा ऑपरेटरों का आरोप है कि टीकाकरण की संख्या बढ़ाने के लिए
स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा उन्हें पोर्टल पर गलत नामों को दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया। सहार तेलपा में एपीएससी में तैनात दो ऑपरेटर में से एक विनय कुमार ने न्यूज क्लिक को बताया कि स्वास्थ्य प्रबंधक टीका लगा चुके लोगों का वास्तविक डेटा मुहैया कराए बगैर मुझ पर नामों को दर्ज करने का दबाव डाल रहे थे। अब कोविड अपडेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार 7 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 7,000 से भी कम यानी करीब 6,500 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस बीच 220 लोगों की मौत हुई है, लेकिन देश में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में कल दो और लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र में अब 10 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट दस्तक दे चुका है। देश में अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 20 से ज्यादा हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर करीब 3.5 करोड़ हो गई है, जिनमें से अब तक 4,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक करीब 130 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं, जिनमें से करीब 80 लाख वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई हैं। तो आज डेली राउंडअप में फिलहाल इतना ही। हमारी साइट पर विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। धन्यवाद।